आर देयर एनी डाउट्स इन एक्सरसाइज 1.1? किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ लो। देखो सर, मैंने बुक नहीं लाई है। मैंने भी सर, तो मुझे मेरे पास भी अगर बुक नहीं है तो मुझे बताना चाहिए ना बेटा। आपने अगर बताया रहता तो मैं आपको भेज देता इसका फोटो। क्या चार तो क्वेश्चन है, 10-15 मिनट में हो जाता है एक्सरसाइज। ठीक है, एक मिनट है, अभी सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लेना इसको। ओके, जनरली आई डिस्कस डाउट्स ओनली आफ्टर सॉल्विंग होमवर्क। तो आप ये पहले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेना। ऑन मंडे वी विल डिस्कस द डाउट्स। ठीक है, नाउ वी विल सी लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस टुडे। अब तक जो जो कुछ भी हमने देखा है इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यू नो विच नंबर इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। बाद में हमने देखा वन डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट को आप लार्जेस्ट भी बोल सकते हो। लाइक देयर टू डिजिट स्मॉलेस्ट, टू डिजिट ग्रेटेस्ट, ये देखा हमने। ए एक्स्ट्रा पार्ट मैंने पढ़ाया कि यूजिंग गिवन डिजिट्स वी कैन फॉर्म टू डिजिट नंबर्स, थ्री डिजिट नंबर्स। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू लार्ज नंबर्स। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर रहता है, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, उसमें वन ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर मिलता है। ऐसे हमें यहाँ से नंबर सिस्टम मिलता है पूरा, दैट इज 1, 10, 100, 1000, 10000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, लाइक दिस। इन एनी गिवन नंबर फेस वैल्यू मतलब उसका चेहरा कैसे दिखता है, 3 का चेहरा 3, 4 का फेस वैल्यू 4 ओनली, लाइक दैट। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि नंबर में इफ वी वांट टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, सो 1 के राइट में कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, सो 1 के ऊपर 4 जीरोस, दैट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, एंड सो ऑन, लाइक दैट इट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद एक्सपांडेड फॉर्म हमने देखा था। देन वी सॉ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों सिस्टम में जो नेमिंग है वो आपको याद रखना है, स्पेशली ये ब्लू में जो नेमिंग दिया है इसको हमें याद रखना है। जनरली हमें आदत है इंडियन सिस्टम का, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लैक, 10 lakh, क्रोर्स, 1 crore, 10 crores, अरब्स। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 तक सेम है। 10,000 के बाद लैक को बोलते हैं 100,000, 10 lakh को बोलते हैं मिलियन, फिर 1 crore को बोलेंगे 10 million, 10 crores को बोलेंगे 100 millions, एंड अरब्स विल बी कॉल्ड एज बिलियंस। और बाद में हमने बताया था कि कॉमा देने का रूल क्या है, कॉमास। तो इंडियन सिस्टम में आपको मैंने बताया था कि समझो एक नंबर हमें दिया है, एक नंबर है, अगर मुझे इंडियन सिस्टम में यहाँ कॉमा देना है इंडियन सिस्टम का यूज करके, तो सबसे पहले कॉमा आएगा राइट से 3 digit के बाद, उसके बाद 2 digit, लाइक दैट। एंड व्हाइल रीडिंग इट इन द वर्ड फॉर्म व्हाट विल बी दिस नंबर, कैन एनीबडी टेल? सर, कैन आई? यस, बोलो। 12 crore 34,56,789 12 crore 34,000
34 लाख लाख 56,000 789. ठीक है, अभी इसी नंबर को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो कॉमा हम देते हैं तीन डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट ऐसे. और इसको पढ़ना कैसे, कैन एनीबडी टेल इन वर्ड, वर्ड में बोलो. मिलियन क्यों बोला, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये तीन तीन डिजिट के बाद कॉमा देना है, तो यहाँ वंस टेन्स हंड्रेड ये तीन का पेयर एक आएगा, ये आएगा दूसरा पेयर तीन का थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, तीसरा पेयर आएगा ये वाला. ठीक है, मिलियंस टेन मिलियंस हंड्रेड मिलियंस, तो ये तीन तीन का पेयर आता है, वो देख के हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये मिलियन लिखना है, बाद में ये थाउजेंड में लिखना है, और बाद में हंड्रेड टेन्स वंस जो भी है. सो देयरफॉर 123 मिलियंस, देन 456,000 बाद में हमें थाउजेंड्स में लिखना है. देखो ये थाउजेंड में हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड थाउजेंड लाइक दैट, तो हंड्रेड थाउजेंड या 456,000 आएगा. 123 मिलियन 456,000 एंड 789. इंटरनेशनल सिस्टम का थोड़ा सा हमें आदत डालना है. जनरली वी नो इंडियन सिस्टम वेरी नाइसली. ठीक है, सो ऐसे हमने डिस्कस किया था कल, कॉमा का रूल था कि 3 2 2 2 और यहाँ पे इंटरनेशनल में 3 3 3 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो इसी का यूज करके अभी एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व करना है. प्लीज कंप्लीट इट बाय नेक्स्ट लेक्चर, मंडे तक कंप्लीट कर लेना इसको. वेरी इजी, 15-20 मिनट में हो जाएगा. एवरीवन शुड कंप्लीट इट. इफ देयर आर एनी डाउट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी अगला हेडिंग लिखो सब लोग. हाँ बोलो सर, कल की मीटिंग ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन? लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस. देखो कल का पेरेंट मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब लोगों को अटेंड करना है. द मीटिंग विल बी ऑनलाइन ओनली. ओके, पेरेंट्स मीटिंग विल बी ऑनलाइन. मॉर्निंग आपका जो सिक्स्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट एक साथ आने वाले हैं, मॉर्निंग 10 to 11 1 hour. ओके, प्लीज टेल यूर पेरेंट्स, preferably both the parents should be available, mother, father if they are there, or at least mother or at least father, at least one person should be there along with you sitting side by side. Keep the video on all throughout meeting. Okay, 10 to 11 tomorrow morning. It is online, तो आपको Zoom का link भेजा जाएगा, उस link पे click करके जैसे आप class join कर रहे वैसे parents meeting भी join करना. ठीक है, ओके. लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस. नाउ वेन एवर वी हैव वेरी लार्ज नंबर्स, तो जनरली जो लार्ज नंबर्स है उनका हम कैलकुलेशन जब करते हैं
बहुत बार हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता. नाउ बिफोर वी प्रोसीड फॉर लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, हमें ये जो कन्वर्जन है यूनिट का, कन्वर्जन हमें पता रहना चाहिए. स्पेशली लेंथ का यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, मीटर, किलोमीटर, देन वेट, वेट का यूनिट ग्राम, किलोग्राम, एक्सेट्रा, देन लिक्विड, लीटर, मिलीलीटर, एक्सेट्रा. ऑल दीज यूनिट्स कन्वर्जेंस वी शुड नो. हैव दिस कन्वर्जेंस स्टार्ट बाय दीपक सर इन फिजिक्स, आपको बताया है क्या सर ने? यस सर. यस सर. हाँ सर. माइक्रो तीनों बता दिए, लेंथ का, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. लेंथ का बताया. ओके ठीक है, हम लिख लेंगे, अच्छे से नोट्स लिख लो. इसमें लिखो कैपिटल ए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. राइट डाउन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. पहला हम लिखेंगे लेंथ के लिए, लेंथ. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1000 मीटर. इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. ठीक है. देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सर 1 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, चलो अभी आपको रेसिप्रोकल वाले पता नहीं होंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. किलोमीटर से स्मॉलर यूनिट मीटर, मीटर से स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से स्मॉलर यूनिट कौन सा है? मिलीमीटर. मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर. यस 10 मिलीमीटर. तो 10 मिलीमीटर्स. देन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10^6 माइक्रोमीटर. बस इतना काफी है मैथ्स में, इससे भी डिटेल में आपको फिजिक्स में लगेगा, अभी फिलहाल काफी है इतना. ठीक है, बाद में मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको इसके ऊपर पावर 10^21 और नीचे पावर 10^-21 यहाँ तक बता दूंगा. नाउ वी जस्ट नीड दिस मच. देन वेट, वेट को मेजर करना है. वेट, यस. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम. सो वी राइट इन शॉर्ट लाइक दिस, 1 kg इज इक्वल टू 1000 g, g पर ग्राम. सेकंड, यस, फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम? 100. 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम?
हंड्रेड हंड्रेड फिर से चेक करो थाउजेंड नो टेन 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 मिलीग्राम बराबर है ना अभी चेक करो अरे देखो देखो बुक में वन ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स वन थाउजेंड हाँ थाउजेंड इसका मतलब हमें पता नहीं है फिजिक्स में पढ़े है ना रे सब लोग सर हमें ग्राम का नहीं था ओके 1000 मिलीग्राम और थर्ड है सर ये नहीं पढ़े ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं देन हाउ टू मेजर द लिक्विड्स लिक्विड्स को हम लीटर में मोजते हैं ना सो कैपेसिटी इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी कैपेसिटी मेजर करते हैं हम लीटर में ठीक है वन किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर लीटर वन लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर इसको शॉर्ट में 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर वन लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर एम एल वन ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम एम जी यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 cm सेंटीमीटर 1 cm 1 centimeter इक्वल्स टू 10 millimeters लाइक दिस सो लेंथ वेट एंड कैपेसिटी के यूनिट्स याद रखना है सब लोगों को Now next हम डिस्कस कर रहे लार्ज लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस अभी ऑफ कोर्स अगर एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए तो हम श्योरली ऐसे ही लिखेंगे समझो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि एक सुंदर नगर है उसका पॉपुलेशन 1991 में था हाउ मच इट इज पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वॉज हाउ मच it was increased by 70,958 तो वो हमें add करना पड़ेगा तो larger number का हमें addition, subtraction, multiplication, division ऐसे आना चाहिए that is one thing see we should also know the multiplication multiplication के लिए सबके table याद रहने चाहिए बहुत great number greater number divided by सब नंबर्स तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इन सारे क्वेश्चंस में सिंपल है कि आपको जो लार्ज नंबर्स है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए सबको आता है कि नहीं यस सर हाँ सर तो अभी आप सिक्स स्टैंडर्ड में हो फाउंडेशन में हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग You all know addition, subtraction, multiplication, division of the large numbers. So 1.2, exercise 1.2 is also today's homework. There are total 12 questions. देखो अभी इसीलिए मैंने बोला था कि कल का होमवर्क आज ही सॉल्व करना चाहिए था आप लोगों ने अभी दूसरा भी होमवर्क आज आ गया अब मंडे तक टाइम है आपको
दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं और जो डाउट्स है वो हम क्लास में लेंगे. फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व. एक एक स्टूडेंट बोलो. यस लोग सर व्हाट्सएप श्लोक आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. तेजस सर लिखना है. तेजस वेट पहले श्लोक को बोलने दो. तेजस श्लोक अच्छे रेंज में आके बात करो. सर वो एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे भेजो. ठीक है उसके फोटोज में भेज देता हूँ. तेजस बोलो. सर आप इसकी फोटोज व्हाट्सएप पर भेज दीजिए. ठीक है और दूसरा कोई कुछ पूछ रहा था. लिखना है. जिनके पास एमटीजी के बुक्स है वो सारे स्टूडेंट क्या करना कि एमटीजी के बुक में एनसीईआरटी सेक्शन है. एनसीईआरटी सेक्शन वहां पे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस दिए हैं तो वो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करो बाय योरसेल्फ. ओके विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन. तो एमटीजी के बुक में भी एनसीईआरटी के एनसीईआरटी सेक्शन आप अगर जाएंगे पेज नंबर 10 एमटीजी बुक अगर जिनके पास है तो वो आपको सेपरेट ये एक्सरसाइज के फोटो भेजने का जरूरत नहीं है. ठीक है सब लोगों ने लाए हैं एमटीजी के बुक्स. नो सर. नो सर. ओके गेट इट एज सून एज पॉसिबल. तब तक हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. इन दोनों एक्सरसाइज के फोटोज में ग्रुप पे भेज दूंगा और दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो. जो भी डाउट है वो मंडे को हम डिस्कस करेंगे. तो ये हुआ लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस. ऑफकोर्स आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लार्ज नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन आता है. This I am expecting. तो इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया. पहले आप सॉल्व करो और डाउट है तो पूछ लेना. नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज एस्टिमेशन. ये बिल्कुल ही इजी पार्ट है इस चैप्टर का. कभी कभी हमें समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ न्यूज दिए हैं, तीन चार न्यूज दिए हैं और न्यूज में देखो कैसे दिया गया है. इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन अ हॉकी मैच वॉच्ड बाय अप्रोक्सिमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड. तो जब इंडिया पाकिस्तान का हॉकी का मैच हुआ तो approximately it was watched by 51,000 people. Actual count थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो सकता है 51,000 से. Actual अगर आप स्टेडियम में जाके वन बाय वन काउंट करेंगे तो 51,000 से थोड़ा ग्रेटर या स्मॉलर हो सकता है. बट दिस इज approximately अंदाज से. मराठी त्याला आपण म्हणतो अंदाजे. सो अप्रोक्सिमेटली 51,000. सिमिलरली सेकंड न्यूज सेज अप्रोक्सिमेटली 2,000 पीपल वेर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. तो कोस्टल एरिया में सो बे ऑफ बंगाल जो है वहां पे साइक्लोन आया और वहां पे 2,000 पीपल वेर किल्ड अप्रोक्सिमेटली. एग्जैक्ट काउंट नहीं है थोड़े से कम ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये न्यूज आप पढ़ के आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि दे आर दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे डोंट नीड एग्जैक्ट आंसर बट दे नीड अप्रोक्सीमेट आंसर्स. और हमें एग्जैक्ट नंबर्स का कोई जरूरत नहीं रहता है. तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वर्ड यूज किया है इसका मीनिंग क्या है कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए हमें राउंड ऑफ आंसर चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं कि राउंडिंग ऑफ. ठीक है और राउंड ऑफ करना बिल्कुल सिंपल है. राउंड ऑफ हम राउंड ऑफ के तीन मेथड्स है तीन टाइप्स है. राउंडिंग ऑफ
पहला टाइप तो यहाँ पे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस तो जब हम नियरेस्ट टेन राउंड ऑफ करते हैं तो उसका रूल क्या है कैन एनीबडी टेल मी यस किसी को पता नहीं है यस सर देखो सब लोग ध्यान दो तो इसके एस्टिमेट करने के एस्टिमेशन करना मतलब क्या है टू टेल द एप्रोक्सीमेट वैल्यू वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू एस्टिमेट मतलब क्या है एस्टिमेशन मतलब टू टेल एप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक है और या फिर इसी को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू को राउंड ऑफ वैल्यू नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं हम उसके नजदीक वाला पास वाला नंबर बता देते हैं सो एस्टिमेशन मीन्स टू टेल अप्रोक्सीमेट वैल्यू और राउंड ऑफ वैल्यू पहला टाइप है पहला तरीका है एस्टिमेटिंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट टेंस तो समझो फॉर एग्जाम्पल एक मैंने नंबर लिया मैं अभी थोड़े बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे से वन नंबर इज 5243 दिस इज अ नंबर तो अभी इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस तो इसका आंसर क्या आएगा जिसको पता है बोलो कैसे राउंड अप 5243 लोग आपका 5240 रेंज अच्छा नहीं है बेटा आप ऑडियो ही ऑन मत करो या तो अच्छे रेंज में बैठो 5000 अच्छे रेंज में बैठो श्लोक आपका ऑडियो ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है हाँ बोलो 5240 240 ये है राउंड ऑफ वैल्यू ठीक है यहाँ पे हम ऐसा कॉलम ही बना लेते हैं गिवन नंबर एंड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस पहला हमने लिखा 5243 इसका राउंड ऑफ वैल्यू हमने लिखा 5240 नाउ व्हाट इज द रूल रूल क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना है यू हैव टू ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट तो रूल में स्टेप नंबर वन हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं उसका स्टेप वन है यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट अगर 0 to 4 ऐसा दिया हुआ है तो या फिर यूनिट डिजिट 5 to 9 ऐसा दिया हुआ है तो ठीक है तो अगर 0 to 4 दिया हुआ है तो इस केस में पिछले टेंस में जाने का इस केस में हम क्या करते हैं टेंस डिजिट को क्या करते हैं इंक्रीज बाय वन ओके वी इंक्रीज बाय वन यस और नो सर डिक्रीज करते हैं ना नहीं वाह सर अगर 5 to 9 हो तो तब हम इंक्रीज करते हैं ना हाँ यस मैं वही सोच रहा था कि कुछ कोई ध्यान से सुन रहा है कि नहीं टेंस डिजिट रिमेन्स सेम ओके टेंस डिजिट रिमेन्स सेम और इस केस में
tens digit increases by one, we increase it by one, एक से बढ़ा देते हैं, इसके examples लेंगे हम, don't worry. और step number two, make unit digit zero और write unit digit zero. यूनिट डिजिट हम जीरो लिख लेते हैं, ठीक है. अभी देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे थे हम, पहला हो गया. अभी दूसरा एग्जाम्पल समझो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया 9262, इसका राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस क्या आएगा? यस, 9262. तो हमें ऑब्जर्व करना है यूनिट डिजिट पहले. यूनिट डिजिट है टू, यूनिट डिजिट जीरो टू फोर है, इसीलिए टेंस डिजिट को सेम रखना है. इस टेंस डिजिट ये सिक्स है, उसको सेम रखना है, बाकी नंबर एज इट इज है. और यहाँ यूनिट डिजिट सेकंड स्टेप, यूनिट डिजिट को जीरो लिखो, तो 9260 इज द आंसर. लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा 9265, सो देन इसका राउंड ऑफ लिखते वक्त यूनिट डिजिट 5 to 9 है, तो टेंस डिजिट को हम 1 से बढ़ाते हैं. तो यहाँ बाकी सारे डिजिट सेम रहेंगे, 9 2 सेम. अभी टेंस डिजिट 6 जो है उसको 1 से बढ़ाओ, 6 का हो जाएगा 7. और यूनिट डिजिट 5 नहीं रहेगा, हमें हमेशा यूनिट डिजिट 0 लिखना है सेकंड स्टेप. ये सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. Really? चलो इसका राउंड अप बोलो. नंबर 4, 9878 बोलो राउंड अप. 9880. वेरी गुड. 9820 इसका राउंड ऑफ. 9820. सेम नंबर. ओके सर. हाँ बोलो सर. 9 मतलब जब 5 आएगा तब राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 होगा. नियरेस्ट टेंस. ओके, नियरेस्ट टेंस समझ में आता है ना. 65 का नियरेस्ट टेंस क्या है? 70. 62 है तो उसका नियरेस्ट टेंस है 60. ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? 78 का नियरेस्ट टेंस है 80, उसके पास वाला 80, 20 तो 20 रहेगा. अगर मैंने एक और एग्जांपल दिया 9823, इसका नियरेस्ट 20. यस, इसका 23 का नियरेस्ट टेंस है 20. ऐसे ये रूल सबको समझ में आया? टू स्टेप मेथड, यस और नो? ओके, राइट डाउन. सर इसे लिखना. यस, so today's homework is exercise 1.1 and 1.2. हम उसके doubts Monday को discuss करेंगे, अगर आपको कुछ doubts है तो. and tomorrow 10 to 11 is parents meeting, it is compulsory, everyone should inform your parents कि 10 से 11 बजे के बीच में 10 to 11 they should be free. You can tell it now itself. Okay, thank you. We will meet tomorrow in parents meeting. Bye, see you. Iska main photo bhej deta hu, aap complete karna. Bye, sir.